वो बड़ा दुख हो रहा है बेचारे के, लग गई ठीक हो जाएगा। इतना तो दुख मुझे नहीं हो रहा जितना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ऐसा है, अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ करण के घर पे, तो उसकी ना थोड़ा चोट लगी है पैर में, थोड़ा मिलने जा रहा हूँ उससे, तो अभी निकलते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं तो फिर आना भी आपको 6-7 बजे तक। अभी चलते हैं फिलहाल फटाफट। अपने यहाँ से पहला पुछता है वहाँ उतर गया, अगर पैदल पैदल जाऊँगा शहर तक चलता है। वो भाई ढलान है पूरी, ऐसे नीचे जाके फिर वहाँ से सीधा। सो गाइस, मैं भी इस घर पर आ चुका हूँ। ये भाई वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, मेरे भी इसके चोट लगी हुई है पैर में यार, थोड़ा परेशान है बेचारा, तो भी आइसिंग कर रहा है अपने पैर में पहले, फिर ऊपर चलेंगे, ऊपर बैठेंगे थोड़ी देर। तो भी आइसिंग कर रहा है अपने शॉर्ट पे, देखिए शॉर्ट का लगे हाथ के पीछे लगे ना, देख इस तरह लगी है चोट पे, अभी आइसिंग कर रहा है, थोड़ा स्वेलिंग हो रखी है उसके, बेचारा चोट लगी है। जब भी मिलने आया तेरे से मैं, वरना आता नहीं। अब चल आइसिंग कर ले फिर चलता है। मोबाइल रूम में आ चुके हैं और मोबाइल रूम में आराम से बैठे हैं, अभी सर के चोट ऐसी लगी है ना, पूरा स्वेल हो रखा है, तो यार बड़ा दुख हो रहा है। कैश चल रहा है, बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि लंगड़ा लंगड़ा चल रहा है पूरा, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। और बाहर बारिश हो गई, बहुत तरह को दिखाता हूँ, बाहर देखो बारिश हो गई है पूरी, और मतलब इस अगर ऐसा है कि यहाँ पूरे प्लांट्स हैं सारे और ऊपर छत है पूरी है, और देखो पूरी बारिश हो गई है। और ऐसे रूम अच्छा लगता है कि बाहर पूरा ओपन हो और अंदर ऐसे रूम हो, तो उसका अच्छा रूम है, बड़े रूम है। अभी अंदर ही बैठे हुए मूवी देखेंगे थोड़ी देर आराम से बैठ के भी, तो मैं आराम से बैठ के मूवी देख रहे हैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया आराम से लेट के। बहुत कम टाइम मिलता है ऐसे उनके साथ में होते हैं और साथ में रिलैक्स कर रहे होते हैं यार, मज़ा आता है। वो बड़ा दुख हो रहा है बेचारे के, लग गई ठीक हो जाए। इतना तो दुख मुझे नहीं हो रहा जितना, चल नहीं पा रहा तो भाई जैसे ऊपर चल रहा है ना स्टूडियो में लंगड़ा लंगड़ा के, भाई मेरे को दुख हो रहा है, मैंने हमेशा इसको उछलते हुए देखा है। बारिश अभी रुक चुकी है और तो अच्छा मौसम हो रहा है ना, देखो वो पतंग उड़ने लग गए, देखो वहाँ पर पतंग उड़ रही है और मौसम तो बढ़िया हो रहा है, बारिश रुक चुकी है एकदम, और ऊपर छत है एक वहाँ से और अच्छा व्यू, तो ऊपर चलता है व्यू दिखाते हैं। ऐसे ऊपर आए और व्यू देखो यहाँ से, इस वैसे व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है, वो तो गाजीपुर खत्ता साफ दिख रहा है, गाजीपुर खत्ता ना, गाजीपुर खत्ता साफ दिख रहा है, और व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है यहाँ से, दूर दूर तक का दिखता है और पूरे में प्लांट्स लगे हुए हैं, बढ़िया है यहाँ पर। थोड़ी देर हम ऐसे ही आ गए हवा लेने के लिए, क्योंकि बारिश अब रुक चुकी है ना और सूरज निकलने का हो रहा है दोबारा, तो कैसे भी धूप आ गई इसलिए नीचे जा रहे हैं दोबारा हम। अंदर चलते हैं, मैं जा रहा हूँ अपने घर पे और बाय बाय भाई, मिलेंगे फिर से, आऊँगा उधर इसके बैठेगा जरा थोड़ा सा ठीक हो गया। अब निकल रहा हूँ अपने मैं घर की तरफ, अंकल मेरे को बाहर छोड़ देंगे ऑटो तक जहाँ से ऑटो मिलते हैं, फिर वहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने घर पर। अंकल जी ने मेरे को यहाँ पे उतार दिया, अब ऊपर से मेरे को ऑटो मिल जाएगा तब ऑटो से चलते हैं सीधा घर पे। तो मैं अभी जस्ट ऑटो से उतर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ मैं सीधा घर पे। मोमोज लाए, मोमोज 20 रुपए के।
तो गाइस मैं अपने घर पे आ गया और लेके आया हूँ मोमोज, फ्राइड मोमोज लेके आया हूँ। तो फ्राइड मोमोज खाते हैं, नहीं नहीं सोयाबीन के। तो गाइस अपने घर पे तो आ गया था अभी, अभी मेरे को अपने घर का सामान लेके आना है। क्या लेके आने है? थोड़े फ्रूट्स लेके आने हैं, फ्रूट्स नहीं सब्जी लेके आनी है, आलू प्याज टमाटर ये सब। चलते हैं बाहर, और दूध भी लेके आना है, शाम हो चुकी है, सामान लेके आते हैं घर में सबसे पहले। तो गाइस मैं सारा सामान तो ले आया, सारा सामान दूध वगैरह सामान जो भी लेना था सब्जी वगैरह। पर गाइस मुंह पे देखो मेरे पसीना कितना आ रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, बस क्या बताऊँ, जल्दी से घर पे ऊपर यार। तो मैं घर पे तो आ गया, नीचे रख ले यार, कहाँ कहाँ रखता होगा इसको दूध, यहाँ रख देता हूँ। सो गाइस मैं अपने घर पे तो आ गया, और अपने घर पे आके मैं दीदी के लिए ना ये लेके आया हूँ जेली रोज की तरह। दीदी को बहुत अच्छी लगती है जेली खाना, दीदी को देता हूँ गिफ्ट, देखना दीदी के रिएक्शन क्या होगा। सो रही है अभी दीदी, लो आपके लिए गिफ्ट, दीदी दीदी आपके लिए गिफ्ट। कुछ हो जाती है खा लो, अच्छी है छोटी सी। तो गाइस अभी खाना खाते हैं, तो आज खाने में क्या है, ये क्या टमाटर प्याज की चटनी, अरबी और रोटी। खाना खाते हैं वैसे, ऊपर बैठे खा रहे हैं। भाई पता नहीं मम्मी दीदी क्या है, पूरे दिन ना ये देखते रहते बालिका वधू खत्म हुए, बचपन बीत गया मेरा, और अभी तक बालिका वधू देखते रहते। तो अभी तक बैठ के फोन में दोनों और ध्यान से देखते हैं ना, पूरा पूरा दिन बैठ के देखते दोनों भाई। मम्मी पूरी रात लगी रहती है, दीदी भी। दीदी आपको क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है? दीदी की तबीयत खराब हो रही है आज, क्या कमजोरी लग रही है? ऐसी हरकतें लाते कहाँ से आप? मम्मी से आई है। तो गाइस फिलहाल अभी इनका तो बालिका वधू देखकर चलता रहेगा पूरी रात, और इस चीज की वजह से लोग रात में लेट सोते हैं पता है। तो फिलहाल अभी मेरा बिस्तर हो चुका है, और मैं एडिटिंग करके फिर सोऊंगा सुबह। फिर मेरे को अपना मेरे को रूटीन बांधना है कि जल्दी उठने का, 8-9 बजे तक उठ जाऊँ मैं रोज, मेरी जल्दी है, मैं दिल्ली वाला हूँ ना। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग अच्छा लगा होगा। नॉर्मल व्लॉग था बहुत, मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, धीरे धीरे बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती रहती अपने न्यू व्लॉग में, बाय गुड नाइट, और बाय बाय भाई, मिलेंगे फिर से। आऊंगा देख के बैठेगा।